हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो बात करने वाले हैं कि हैगो में कुछ नया पॉलिसी आया है जिनमें आपको बॉय को भी लाइव मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने एजेंसी वाले से बात किया है, उन्होंने बोला है कि अब न्यू पॉलिसी में बॉय को भी लाइव मिलेगा और उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो ही आपको यहां से लाइव प्रोवाइड होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अच्छे से एडिशन देना पड़ता है और एक आधार कार्ड का फोटो लगता है, ठीक है। तो आप अगर वो करते हो, फॉर्म भरते हो, तो आपको लाइव मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको उससे करना क्या है। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि ओल्ड पॉलिसी में सिर्फ गर्ल्स को मिलता था, अब बॉय को नहीं मिल रहा था। अब जिन बॉय को मिल रहा था उन क्या होता है, जो टारगेट नहीं करते थे उनका लाइव हट जाता था, ठीक है। लेकिन ये रूल्स शायद अभी भी है, ठीक है। तो आप अगर टारगेट करोगे तो आपके पास लाइव रहेगा, अगर टारगेट नहीं करोगे तो आपके पास लाइव हो सकता है कि अगले मंथ यानी इस मंथ के बाद, अगली मंथ से आपका जो है लाइव हट जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग टारगेट करोगे तो आपको भी फायदा रहेगा, क्योंकि आपको क्या होता है टारगेट करने से, अगर आप 1.5 लाख का टारगेट करते हो तो आपको यानी 18,900 के आसपास में जो सैलरी प्रोवाइड होता है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका कुछ टाइम टेबल है, कुछ पॉलिसी है, तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनका जो टाइम है उन पे आना पड़ेगा। और उसका जो मैं आपको बता दूं, उनका जो ये है टारगेट है, उनको भी अगर आप पूरा करते हैं तो ही आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड होगा। अगर आप टारगेट करते हैं तो ही टारगेट आपको सैलरी मिलेगा, नहीं करते हैं तो आपको सैलरी वहाँ से प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा। तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको, अगर ये फॉर्म चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो है फॉर्म भरने के बाद आपको आगे क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट कहाँ डालना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शुरू से देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लाइव चाहिए तो फॉर्म भरना, नहीं चाहिए तो फिर फॉर्म मत भरना, ठीक है। जिन जिन को भाइयों को लाइव चाहिए, जो लड़का लोग लाइव आना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो हे गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ गया हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे को यहाँ पे एक अमित भाई का व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, ये पर्सनल व्हाट्सएप है। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिंक भेजे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये लिंक को ओपन करता हूँ मैं, आपको जो है वो भी बता दूंगा कि आपको स्क्रीनशॉट कहाँ डालना, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लिंक पे टच कर लेता हूँ। जैसे आप देखो, इसी लिंक आपको मिलेगा तो आपको इस ब्राउजर में आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी पर टच करोगे तो इसी ब्राउजर खुलेगा, आपको इस पर ब्राउजर पर टच कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुलेगा, और आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे जीमेल से खोलना पड़ेगा, या अगर आपका अंदर यहाँ पे जीमेल डाला होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अगर जीमेल नहीं डाला होगा तो आपको एक यहाँ पे जीमेल मांगेगा और वो जीमेल से आप ओपन कर लेना, ठीक है। जब आप यहाँ पे जीमेल डालोगे तो आपके सामने यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको देखो, अगर आप जो भी जीमेल लगाना चाहते हो, ठीक है, जो आपका जीमेल रहेगा वो यहाँ शो कर जाएगा। अगर आपके पास चाहते हो कि ये जीमेल मैं नहीं दूँ, दूसरा जीमेल दूँ, तो यहाँ पे स्विच अकाउंट है, यहाँ पे टच करके आप जीमेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप जीमेल नहीं डालोगे ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जीमेल डाल के रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर करते हैं, यहाँ पे लिखा ऊपर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिखा है हैगो वीडियो टैलेंट रजिस्ट्रेशन, यानी आपको यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे देखिए मांगा जा रहा है हैगो आईडी, यानी आप जिसका लेना चाहते हैं उसका हैगो आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिस आईडी पे आपको लाइव चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं, नीचे आपको लिखा है चॉइस योर टैलेंट, यानी आपका टैलेंट क्या है। आपका टैलेंट डांसिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, चैटिंग करते हो, ब्यूटी यानी अपना खूबसूरती दिखाते हो, या फिर अपना यहाँ पे क्या, यहाँ पे अदर भी दिया गया है। आप जो है मतलब अदर यानी अदर पे क्लिक करके आप जो करना चाहते आपके अंदर जो भी टैलेंट है यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख करके आपको यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप ज़्यादातर तो आदमी यहाँ पे यही तीन चार जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंगिंग कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिंगिंग चैटिंग जो भी कुछ करना है कर सकते हो। नीचे आते हैं, नीचे लिखा गया है जेंडर, यानी आप लड़का हो तो मेल करो, लड़की हो तो फीमेल करो, ठीक है। तो मैं अभी लड़का हूँ तो मैं मेल कर लेता हूँ, ठीक है। गाइस नीचे आते हैं, नीचे लिखा गया है ब्रॉडकास्ट टाइमिंग डायरेक्शन, यानी यहाँ पे देख लीजिए कि आप कौन सी टाइम में ब्रॉडकास्ट करेंगे, लाइव आएंगे उसी टाइम में, यहाँ पे जो आप वो टाइम चूज करोगे उसी टाइम में आपको लाइव आना है, ठीक है। देखिए आपको मैं आपको बता दूँ कि आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे चार और आठ का, मतलब आपको यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे चार और आठ का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया टाइमिंग, और मैं यहाँ पे चार आठ में नहीं आकर के मैं कुछ अलग टाइम में आऊँगा तो ये मेरा काउंट नहीं होगा। देखिए काउंट तो होता है, लेकिन आप अगर टाइम पे आते हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो आप जहाँ आपको देख लेना है कि आपके पास कौन सी इस टाइम में से कौन सी टाइम में आप फ्री होते हो तो उसी टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पे 8 से 12 कर लेता हूँ, यानी देखिए पहले था 2 घंटा, अब यहाँ पे 4 घंटा कर दिया है, 2 घंटा एक्स्ट्रा कर दिया है, यानी 8 से 12 यानी 4 घंटे आपको लाइव आना है, ठीक है। तो गाइस मैं बता दूँ, जो आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करोगे उस टाइम में आपको अनिवार्य है, आप चाहो तो 4 घंटे के मतलब आप 12 घंटे आ जाओ, 6 घंटे आ जाओ, 7 घंटे आ जाओ, 10 घंटे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जो टाइम डाले हो उस टाइम में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो यहाँ पे काउंट होगा। नीचे आते हैं, नीचे दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर। गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप अगर अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं तो आपके पास जब लाइव लाइव आ जाएगा,
तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपके पास लाइव आ चुका है। सो प्लीज़ आप जाइए और अपना लाइव ऑन करके अपना टारगेट पूरा कीजिए, अपना जो है जो अपने सिंगिंग का भी जो भी कुछ डाला है वो आप कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, नीचे लिखा है चॉइस योर ऑफिशियल। अब इसमें आपको तो ऑफिशियल कौन सा चॉइस करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेवी डालना है, ऊपर वाली आपको डालना है सेवी, ओके। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है चॉइस योर एजेंसी। अब मुझे एजेंसी देखना है कि मुझे इसमें से कौन सी एजेंसी चूज़ करना है जिनमें मुझे लाइव मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी आपको एजेंसी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसमें से कौन सी एजेंसी आपको सेलेक्ट करनी है, ओके। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 36 नंबर में आपको यहाँ पे बैनर्स दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 36 नंबर पे टच करना है बैनर्स पे, ओके। तो आपको थोड़ा ऊपर कर लेना है। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ पे नीचे लिखा है एजेंसी ऑनर हैगो आईडी। तो गाइस मुझे यहाँ पे हैगो का जो एजेंसी ऑनर आईडी है मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको कौन सा हैगो आईडी डालना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा डालना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। मैं इसका पढ़ के भी सुना देता हूँ, 1596107 ये आईडी आपको इसमें डालना है ऑनर आईडी में, ओके। मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख लेना। आप नीचे आते हैं, नीचे लिखा गया है नेशनैलिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको कौन सी देश से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि आपका जो एक यहाँ पे आधार कार्ड लगाओगे उनका एक नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आपको जो भी आधार कार्ड का नंबर है आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा गया है फोटो ऑफ सिटीजन यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड फ्रंट पेज, यानी आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड यहाँ पे नंबर डाले हैं उनका एक फ्रंट का पेज का एक फोटो डालना है, फ्रंट पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे टच करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट फाइल दिखाई देगा, आपको इस पे टच करना है। तो आपके सामने यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन खुलेगा, तो आपको फाइल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देख लेना आपके मोबाइल में कौन सी प्रकार के ये ओपन हो रहा है, ठीक है, सामने हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए अपना गैलरी में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो गैलरी दिख रहा है, गैलरी में जाओगे तो आपका सारा जितना भी फोटो पिक्चर होगा सारा दिख जाएगा, वहाँ से अपना जो है आधार कार्ड का वो सेलेक्ट कर लेना, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे वीडियो फॉर एडिशनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो फॉर एडिशन, यहाँ पे आपको एक वीडियो डालना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसी में आपको जो आपका आईडी छताता है, यानी आपका आईडी जो पेंडिंग हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आपको लाइव नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे लोग इसी में फाइल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक अच्छा सा ऑडिशन यहाँ पे एडिशन दो ताकि आपकी आईडी पास हो जाए, ठीक है। तो आप उस प्रकार के दोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी प्रकार के यहाँ पे एडिशन डालना है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ, सेम आपको उसी तरह बोलना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सेम इसी तरह का आपको डालना है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा वो दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से बोलना है, किस तरह से एक वीडियो बनाना है। ओनली 30 सेकंड का वीडियो बनाना है, ठीक है। 30 सेकंड यानी एक मिनट के नीचे का होना चाहिए, एक मिनट से ज़्यादा होगा तो आपका वीडियो इसमें ऐड नहीं होगा। तो हे गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से एडिशन आपको डालना है, एडिशन देना है। तो गाइस सेम इसी तरह डालना है और आपको इस वीडियो में कोई भी इफेक्ट नहीं डालना है, ठीक है। फेस पर कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए। देखो मैं यूट्यूब पे डाला हूँ इसलिए मैं ब्लर कर दिया हूँ फेस को, ताकि कोई किसी को फ्रेश ना दिखाई दे। लेकिन आप जब वीडियो डालना तो बिल्कुल फ्रेश डालना, ओके, बिल्कुल फ्रेश। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा, माई हैगो आईडी 20389003001। मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, मेरे कंटेंट होते हैं डायलॉग्स, लिपसिंग और सैड वीडियोस। तो आओ मैं आपको अपना एक कंटेंट डायलॉग करके दिखाती हूँ। क्या अजीब दुनिया है यार, माँ पैदा करती है, परवरिश करती है, चलना भी सिखाती है, पर अफसोस गालियों में उसी का ही नाम आता है। तो गाइस आपको सेम जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इस तरह से वीडियो आपको अपलोड करना है, अपना बनाना है, एक फेस कैमरा चालू करके आपको अच्छे से तैयार होकर के आपको वीडियो बनाना है, उसमें एक आईडी नंबर बोलना है जैसे कि उसने आपको बोला है, सेम उसी तरह आपको भी बोलना है। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो तो उसमें एक सॉन्ग एक मतलब दिखा देना कि मैं सिंगर हूँ और मैं सॉन्ग का टैलेंट है मेरे अंदर, तो उसमें आपको सॉन्ग गाकर भी दिखा देना, ठीक है। तो ही आपको यहाँ पे एक अच्छा वीडियो बनेगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी आईडी अगर पास हो जाएगा तो आपको लाइव मिल जाएगा। दोस्तों अब नीचे आते हैं, नीचे लिखा गया है सबमिट। यहाँ पे अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका ये फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सोचोगे यार कि मतलब जो है स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया, अब मुझे करना क्या है। ठीक है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है ठीक है उसको आपको भेजना है व्हाट्सअप में। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको ऑनर आईडी बताया था, ऑनर का जो नंबर है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके व्हाट्सअप पे आपको सेंड कर देना है और उनको एक मैसेज कर देना है कि सर मेरा आईडी को पास कर दीजिए। ठीक है, अगर आपकी आईडी वहाँ से पास हो जाएगी तो आपको मिल लाइव को आने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लाइव मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लाइव नहीं मिल रहा है तो मेरे को आप हैगो में या फिर यूट्यूब में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे मैंने फॉर्म फिलअप किया था और मुझे लाइव अभी तक नहीं मिला है, तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, चाहे वो हैगो पे हो या फिर यूट्यूब के मैसेज में, आपको जो है आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको लाइव दिलाने की कोशिश करूँगा। ओके, मुझे जितना जल्दी हो सके मैं आपको लाइव दिला दूंगा, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते तो मैं आपको लाइव दिला दूंगा। तो आपको अगर नहीं मिल रहा है वहाँ से तो मैं आपको दिला, क्योंकि देखो कितना सारे बंदे को क्या होता है ना कि लाइव क्यों नहीं मिल पाता, मैं बताऊँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि अच्छे से वीडियो एक बना लो अपना, ठीक है, वो वीडियो यहाँ पे देखो मेन क्या होता है, एडिशन में छत आता है यानी साइड, यानी ये जो है ना पेंडिंग जो हो जाता है आपकी आईडी, वीडियो एडिशनल यानी यहाँ पे जो वीडियो का जो एक टैलेंट होता है, आप टैलेंट वीडियो के माध्यम से आप बताते हो कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, इसी के माध्यम से छत आ जाता है, यानी अच्छे से तैयार होकर, या फिर आप कुछ गलत कर देते हो उसको पसंद नहीं आता है, वो क्या करता है आपकी आईडी कैंसिल कर देता है और आपको लाइव नहीं आता है। तो आपको एक अच्छे से बनाना है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था, सेम उसी तरह आपको भी बनाना है। ओके, तो बात करते हैं आपको टारगेट की, तो आपको टारगेट कैसे करना है दोस्तों। अगर आप टारगेट करोगे तो आपको सैलरी आएगी, टारगेट नहीं करोगे तो सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ बता दूंगा, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया इसलिए आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो नीचे आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टारगेट कितना करना है, कितना में कितना आपको मिलेगा, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना। ये लिंक आप जो है ये जो फॉर्म फिलअप करोगे ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हैगो का ऑनर आईडी का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी डाल देना और जो व्हाट्सअप नंबर है ऑनर का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने स्क्रीनशॉट जो है उसको भेज दीजिएगा ऑनर को। ठीक है, और उनको बोल दीजिएगा कि सर मेरा आईडी पास कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको लाइव मिलता है तो भी मुझे बता देना कि भाई मुझे लाइव मिल चुका है, अगर नहीं मिला तो बता देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट करके लाइव दिलाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।